नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से। अगर आप हमारे इस चैनल के डेली व्यूअर हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस जरूर पसंद आ रहे होंगे। और अगर आप आगे भी इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो सबसे पहले नीचे दिए गए रेड बेल आइकन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए। और चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम की, जिसमें हम आपसे आज बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में OT टेक्नीशियन के पदों के लिए जो भर्तियाँ निकली हैं उसके लिए शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, आवेदन शुल्क किस प्रकार से है, आवेदन प्रक्रिया क्या है, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो हमारी सलाह है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा और जरूर सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। चलिए आपको बता दें, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लेडी हॉर्डिंग मेडिकल कॉलेज के लिए OT टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसीलिए इन पदों के लिए जो भी पात्र उम्मीदवार हैं वो निर्धारित प्रारूप के अनुसार 15 जून 2018 तक या उससे पहले आवेदन कर दें। आपको ध्यान रहे कि 15 जून 2018 आवेदन करने की लास्ट डेट है, 15 जून के बाद आपके आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यहाँ पर OT टेक्नीशियन के लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, 3 पदों के लिए भर्तियाँ होनी है, यानी कि कुल मिलाकर 3 पद रिक्तियों में हैं, यानी कि कुल मिलाकर 3 पद खाली पड़े हुए हैं। अब हम आ जाते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में आपको बताने। तो शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता और अनुभव किस प्रकार से है। OT टेक्नीशियन के लिए मैट्रिकुलेशन या फिर इक्विवेलेंट के साथ ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए आपके पास। इसी के साथ अगर बात करें चयन प्रक्रिया की, तो कैंडिडेट जिन्होंने भी अप्लाई किया है उनका चयन एकेडमिक मेरिट के आधार पर किया जाएगा। अब बात आती है आवेदन प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है। तो वीडियो में दिखाए गए पते पर आप अपना आवेदन भरकर भेज दें, लेकिन ध्यान रहे आवेदन आपको 15 जून 2018 से पहले पहले ही करना है। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही, हम फिर से हाजिर होंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए इंतजार कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का।